दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अच्छे अच्छे घर बना सकते हो। कई लोग देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव घर मीन्स 3D मॉड्यूलर की जो जॉब होती है किस तरीके से आप कर सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर को सीख के बहुत ही अच्छा घर बना सकते हो, इस वीडियो में उसको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव घर बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से सॉफ्टवेयर से किस तरीके का घर बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा गूगल पे पिंट्रेस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे बहुत रिप्रेजेंटेटिव घर, और आपके दिमाग में आता है क्या मैं ऐसा ही बना पाता। आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, एक सॉफ्टवेयर और एक प्रैक्टिस, दो चीजें अगर आपकी मिल गई तो आप बहुत अच्छे बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूंगा 3D घर बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर फेमस है मार्केट के अंदर। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं उसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है रेविट, और दूसरा सॉफ्टवेयर है स्केचअप, और तीसरा सॉफ्टवेयर है आपका दैट 3ds मैक्स, और चौथा है आर्चीकैड। ये जो चार सॉफ्टवेयर है ये मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं अच्छे अच्छे घरों के डिजाइन करने के लिए। और अगर आपने थोड़ी सी फिनिशिंग मतलब रेंडर भी थोड़ा अच्छा करना है तो पांचवा फोटोशॉप सीख लेना, 2 दिन का कोर्स रहता है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं सीखनी, सिर्फ वीडियो कैसे मतलब कि जो आपका रेंडर फाइल उसको कैसे लगाना है उसके लिए होता है फोटोशॉप। तो मुख्य रूप से आपके चार सॉफ्टवेयर हैं जिसमें से पहला है रेविट। अगर आप चाहते हो कि आप अपने मॉडल के साथ साथ सेक्शन एलिवेशन और फ्लोर इंडेक्स एरिया ये सारी चीजें फ्लोर स्पेस इंडेक्स ये सारी चीजें भी दिखाना चाहते हो, डायमेंशन या ब्रीथिंग इफ यू वॉन्ट टू प्रूफ इफ यू वॉन्ट टू शो, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है रेविट आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस्टिमेशन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको बताया हुआ है किस तरीके से रेविट में एस्टिमेशन कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो जाके कंप्लीट सीख लो। तो रेविट से आप सीख सकते हो एस्टिमेशन अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ सेक्शन एलिवेशन, उसके बाद FSI किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हो, और साथ ही साथ मॉडल भी बहुत अच्छा बना सकते हो। तो पहला सॉफ्टवेयर आपका हो गया रेविट। तो अगर दूसरी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो दूसरा सॉफ्टवेयर स्केचअप। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल बनाना है और इजीली ढंग से बनाना है मीन्स बहुत जल्दी जल्दी बनाना है मॉडल, तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए क्या, स्केचअप। स्केचअप बहुत ही अच्छा है अगर आप सिर्फ मॉडल बना रहे हो तो स्केचअप अच्छे तरीके से सीख लीजिए, बहुत इजी है, इसको रेंडर करना बड़ा इजी है, वॉक थ्रू बनाना बड़ा इजी है। तो स्केचअप अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर से डर लगता है और आप जल्दी से अच्छा बनाना भी चाहते हो तो स्केचअप सबसे बेहतरीन हो सकता है। तीसरा और सबसे डेंजर सॉफ्टवेयर हो सकता है आपके लिए 3ds मैक्स। डेंजर क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसका जो ग्राफ वगैरह है कई लोगों डर जाते हैं उसे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, बट जिसने भी सीखा है उसको पता होगा कि ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ क्या लगता है 3 से 4 दिन की प्रैक्टिस लगती है, उसके बाद वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये इस तरीके से बनेगा। तो 3ds मैक्स बेहतरीन है क्योंकि उसके अंदर वीरे है और वीरे सबका पापा है। क्यों? क्योंकि जो रेंडरिंग है बहुत ही फैबुलस है। तो अगर आपने नहीं सीखा है 3ds मैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेविट में घर बनाओ उसको इंपोर्ट कर लो 3ds मैक्स के अंदर, वो भी आपके लिए काफी बेहतरीन है, सिर्फ रेंडर के लिए भी बहुत अच्छा है तो सॉरी 3ds मैक्स। तो 3ds मैक्स काफी बेहतरीन है, उसके अंदर जो प्रेजेंटेटिव कर सकते हो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसके अंदर मेंटल रे है, वीरे है, आईरे है और लाइट के इफेक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 3ds मैक्स भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसके बाद लास्ट सॉफ्टवेयर आपका आता है आर्चीकैड। आर्चीकैड एक तरीके से कहो तो रेविट का ही भाई है, क्योंकि जैसे सेम कमांड रेविट में प्रोसेस होती है वैसे ही आर्चीकैड में होती है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है उनके अंदर। अगर आपने रेविट सीखा हुआ है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आर्चीकैड सीख सकते हो। तो ये चार सॉफ्टवेयर है। अब आप सोचोगे कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, सर आपने ये तो बताया ही नहीं। हाँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने रेविट सीखा है तो आप स्केचअप सीख लेना, अगर आपने रेविट स्केचअप सीखा है तो आप 3ds मैक्स सीख लेना, और अगर आपने इन तीनों को सीखा है तो आर्चीकैड सीख लेना। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सीखना तो आप सिर्फ स्केचअप सीख लो, दैट इज सफिशियंट एज अ फ्रेशर लेवल। और अगर आपने स्केचअप सीख रखा है तो आप रेविट पे जाओ, इन दोनों को सीख रखा है तो 3ds मैक्स मतलब रोज से जाओगे तो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि अगर स्केचअप जिसको आता है रेविट बहुत अच्छे से चला सकता है, जिसको दोनों आता है वो 3ds मैक्स अच्छे से चला सकता है, ये तीनों आ जाता है, आर्चीकैड आप खुद से सीख सकते हो, एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, सबका काम क्या है घर बनाना। अब मुख्य रूप से होता क्या है कि आप सबने सॉफ्टवेयर तो सीख लिया,
अब जब मॉडल बनाने जाते हो तो आप रिप्रेजेंटेटिव घर नहीं बना पाते, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी रेफरेंस इमेजेस की। तो आप गूगल से अच्छे अच्छे इमेज डाउनलोड कर लीजिए, पिंटरेस्ट साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाइए अच्छे अच्छे घर देख लीजिए। आपको यूनिक्स ईमेल की भी गैलरी में जाएंगे, वहां पे भी कुछ घर पड़े हुए हैं, तो आप वहां पे भी घर देख सकते हो, अच्छा ये ऐसे ऐसे घर हम बना सकते हैं। तो आप अच्छे अच्छे घर पिंटरेस्ट से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लेके मटेरियल वगैरह चूज करके आप अपना अच्छा अच्छा घर बना सकते हो। घर बना के काम करिए, उसके नीचे ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर लिख के सोशल मीडिया पर उसको फैला दीजिए। कई ढेर सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप डाल देंगे, तो किसी को अगर अच्छा लगा, मान लीजिए कोई भी आर्किटेक्ट है उसको लगा यार क्या घर बनाया है, नीचे आपका कॉन्टेक्ट नंबर देखा, वाओ, तो अगर ऐसे ऐसे घर बना दिए आपने तो सामने वाला खुद ही आपको कॉल करेगा यार आपके पास अगर फ्री टाइम हो तो एक प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपका बिजनेस भी हो गया। इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, सबके हजारों 500 फॉलोअर्स होंगे, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, उनको थोड़ा सा ग्रोन अप करिए, मतलब कि दोस्तों को बोलिए कि फॉलो करें आपको, और अगर आप मेरे भी साइट को फॉलो कर लेंगे मतलब इंस्टाग्राम को, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे हम लोग जो भी घर वगैरह होते हैं पोस्ट करते रहते हैं। आपने पीछे देखा होगा जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको पता होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी वायरल करता रहता हूँ, तो उसमें तो मैं नहीं कर पाता, मतलब मेरी टीम है तो हम लोग एक एक करके करते रहते हैं, तो आपको वहां से भी आपको घर काफी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने काम किया तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप मॉडल बना सकते हैं, और जिसने मॉडल बना लिया आपको स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मॉडल देख के लोग आपको प्लेस कर देंगे। पोर्टफोलियो जरूर बनाइएगा, उसके बाद मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था किस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करिए और अच्छे अच्छे मॉडल लेके जाइए, सिलेक्शन 100% फिक्स है आपका एज अ 3D मॉड्यूलर, एकदम 100%। क्योंकि काफी लोगों ने मेरे कैमरामैन हंस रहे हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मतलब कि फिक्स ही है, श्योर ही है, तो ये जरूर आप करके देखिए, आपके लिए काफी लाइक प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें अगर लगा कि कुछ वैल्यू क्रिएट हुआ है, तो यार मैं फिर से बोलूंगा, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ लाइक करो, क्यों, क्योंकि जरूरत है लाइक की, हम लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, मैं गला अभी मेरे को ऑफिस भी जाना है, मैं गला भी इतना फाड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मेरे को सहयोग करेंगे, इसी होप से शेयर बटन पर क्लिक करके 10 लोगों को फिर से शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो करके जाना यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।